यूके दे एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी वालों भी किसानों के संघर्ष के दौरान किसानों के लिए फिक्रमंदी जताई गई है। दस दिए कि देशों विदेशों के विचों किसानों नूं भारी समर्थन मिल रहा है। एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि उन्हां वल्लों अक्तूबर के महीने दे विच सारे पार्लीमेंट मैंबरां दे नाल मीटिंग की गई सी अते विचार वटांदरा किया गया सी। एक बार फिर तो उन्हां वल्लों नवंबर दे विच मीटिंग की गई अते सारे मैंबर पार्लीमेंटां वल्लों एक चिट्ठी ते दस्तखत किए गए। दो पन्नियां दी इह चिट्ठी उन्हां वल्लों विदेश मंत्री नूं सौंपी गई है तां जो उह भारत सरकार दे नाल गल करन तां जो किसान भाईचारे दी कुछ मदद हो सके। इंडिया के जो किसान संघर्ष चल रहा है, जिस दे विच वड्डी तादाद दे विच किसानां ने जो फार्मर्स बिल 2020 दे खिलाफ मोर्चा खोलिया होया है, उस नूं लै के यूके अते विदेशां दे विच वसदे जिहड़े एनआरआईज ने उह भी बहुत फिक्रमंद ने अते उन्होंने अपने मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट तक पहुँच की कि असी भी किसानां दे नाल खड़े होए हाँ अते तुसीं साडी इस मसले दे विच कुछ मदद करो। सो इस सारी चीज़ नूं मुख रखते हुए अक्तूबर दे विच नाचीज़ ने एक मीटिंग एक बैठक की मेज़बानी की, जिस दे विच बहुत सारे एम पीज ने शमूलीयत उन्हां दी सी अते इस दे नाल नाल सिख संस्थावां जिवें कि सिख काउंसल यूके, ओल्ड पार्टी पार्लीमेंट्री ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सिख्स, सिख प्रेस एसोसीएशन अते होरनां ने उस दे विच शिरकत करके अपने वडमुले विचार दिते। उस दा सिट्टा यह निकलिया कि असी नवंबर दे विच भी होर विचार वटांदरा किया अते नाचीज़ नूं यह हुक्म होया कि तुसीं एक चिट्ठी दा जो खरड़ा तैयार करो। अते हुण मैनू तुहानूं दसण दे विच खुशी महसूस हो रही है कि दर्जना मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट ने एक दो पन्नियां दी चिट्ठी ते दस्तखत कीते ने अते ओह असी चिट्ठी बकायदा जो यूके दे विदेश मंत्री डोमिनिक राब हन उन्हां नूं भेज दित्ती है तां कि जो साडी चिंता अते साडे अहसासां दा जो अगे पेश करन जो इंडिया सरकार नूं तां कि किसानां नूं इंसाफ मिले।